पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। ऐसे में मजबूत पैरवी के लिए वकील बदलने की मांग अंकिता की मां ने सीएम धामी से की है। वहीं अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की मांग भी की है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपको बता दें कि अंकिता के परिजनों की तरफ से वकील को बदलने को लेकर सीएम से आग्रह किया गया है, डीएम के माध्यम से पत्र लिखा गया है अंकिता के परिजनों की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि ये पत्र सीएम से मांग की गई है। जो जितेंद्र रावत थे उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के मतलब उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि मतलब हमारी सहमति से मतलब हम अपनी सहमति से वो एडवोकेट रखेंगे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम धामी जी से मतलब इस बारे में बात करेंगे, आप मतलब चिंता मत करो।